ईद उल अजहा भी करीब आ गई है, अभी तक जानवर भी नहीं लिया कुर्बानी का। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, इस बार शब्बे ने कुर्बानी नहीं करनी, लेकिन लोगों को मैं इस बार दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी कुर्बानी कर रहा हूँ मैं। बहुत ही तगड़ा जानवर लेना है इस बार मैंने, लेकिन अभी कहता हूँ चलो मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, इस बार बड़ा जानवर लेना है तगड़ा। बेटा बात सुनो, इधर आओ। आया बा आया, काम थोड़ा रह गया है। अब्बा बुला रहा है, जल्दी जाता हूँ, क्या कहता है? आजा बेटा बैठ बैठ, मुझे तुमसे आज जरूरी बात करनी है। तुम्हें तो पता है ना ईद उल अजहा करीब आ गई है और जानवर भी नहीं लिया अभी तक हमने कुर्बानी का, तो मोहल्ले वाले क्या सोच रहे होंगे। तू जा सबसे मोटा तगड़ा जानवर लेकर आ, ताकि मोहल्ले वालों को पता लगना चाहिए कि शब्बे ने इस बार सबसे बड़ी कुर्बानी की है, समझ रहे हो ना। बस पैसों की टेंशन ना लो, लेकिन जानवर जो हो ना उसे देखकर मोहल्ले वाले अशश करें, एक बार देख के कहें कि ये सबसे बड़ी कुर्बानी इस बार तो शब्बे की है, समझ रहे हो। तो ये मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, और जाओ और अभी जानवर लेकर आओ, लेकिन जब जानवर लेकर आओ तो पूरे मोहल्ले को दिखा कर आना है, ठीक है? अभी जाओ और जानवर लेकर आओ, ठीक है? मैं अभी जा रहा हूँ जानवर लेकर। हाँ लेकर आओ, इस बार मैं ऐसा जानवर लूंगा अब्बा खुश हो जाएगा, और इस बार मोहल्ले वाले भी बहुत जलेंगे हमसे। ये बेचारे रो क्यों रहे हैं? अभी जाकर इनकी बातें सुनता हूँ। अब्बा जी, साहब ने कुर्बानी का जानवर ले लिया, हमने नहीं लिया। बेटा असल में बात ये है, तुम्हें पता भी है हम गरीब बंदे हैं, हमारे पास आटा चीनी खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम कुर्बानी का जानवर कहाँ से लेंगे? बस अल्लाह हमारी मदद करेगा बेटा, टेंशन ना ले तुम। ये बकरी बेचनी है आपने? हाँ भाई, मैंने बकरी बेचनी है। ये बकरी कुर्बानी के लिए सही रहेगी, वाले वाले इस बकरी को देख कर जल कर राख हो जाएंगे। हाँ भाई, ये कितने की है बकरी? भाई बकरी 40,000 रुपए की है। 40,000 रुपए की बकरी तो बेचनी है, मोटी ताजी। भाई कुर्बानी तो अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, बकरी अच्छी है आप ले लो। अल्लाह की रजा? अल्लाह की रजा तो उसके बंदों की खिदमत में है, मैं तो अभी उसके पंजे रोते हुए छोड़ कर आ रहा हूँ। भाई बकरी तो आपकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने अभी बकरी नहीं लेनी, मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। अंकल जी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल जी, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। ये ने कुछ रकम अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े और कुर्बानी का जानवर खरीद लेना। बेटा ये देखो, आखिर अल्लाह ने हमारी मदद कर ही दी, और चलते हैं कोई कुर्बानी का जानवर वगैरह खरीदते हैं और कपड़े भी खरीद लेते हैं। देर हो गई है, अभी तक जानवर लेके नहीं आया, इसमें पता करता हूँ कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई है। आओ बेटा आओ, कुर्बानी का जानवर तो ले आए होगे ना, और मुझे यकीन है तुम बड़ा तगड़ा जानवर लेकर आए होगे। हाँ अब्बा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा, बताओ क्या बात है? अब्बा जी, मैं जा रहा था जानवर लेने, लेकिन रास्ते में मेरे साथ एक वाकया पेश हुआ है। वाकया? कैसा वाकया बेटा? अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बचा लिया है, और असल कुर्बानी तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में ही है। अल्लाह ने हमें बचा लिया है कि हम तो लोगों के दिखावे के लिए सब कुछ करने जा रहे थे, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी आंखें खुल गई हैं, और मुझे यकीन है कि अल्लाह के हमारी ये कुर्बानी कबूल होगी, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी कुर्बानी है। बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया है, और हमेशा ऐसे ही काम करने हैं जिसमें अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए, हमेशा ये याद रखना है, अब इसको भूलना नहीं है।